फेलो स्टूडेंट ऑफ फिफ्थ क्लास, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. आई एम सिमरन मैम, एन इंग्लिश टीचर. इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन अवर थर्ड चैप्टर्स रिवीजन, एंड नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर फोर्थ रिवीजन. अवर चैप्टर नेम ग्रेट पीपल ग्रेट डीड्स. एंड सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज. एक्सरसाइज ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमें करेक्ट ऑप्शन क्या करने हैं, चूज करने हैं. फर्स्ट, ब्लैंक इज अ ग्रेट संत ऑफ द सिख. ए गुरु नानक, बी जॉर्ज वांस्टीगेटन, सी नेपोलियन बोनापार्ट, एंड डी कमांडिंग ऑफिसर. तो क्या आ जाएगा, गुरु नानक. ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट. सेकंड, अकॉर्डिंग टू गुरु नानक गुड पीपल वुड स्प्रेड ब्लैंक. ए डिसीज, बी गुडनेस, सी वीकनेस, एंड डी हैप्पीनेस. तो क्या आ जाएगा, गुडनेस. सेकेंड में ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट. थर्ड, ब्लैंक हैड नॉट फॉरगेटन टू रीपे एन ओल्ड डेब्ट. ए गुरु नानक, बी ओल्ड वुमेन, सी नेपोलियन बोनापार्ट, एंड डी एम्पीरियर ऑफ इंग्लैंड. तो क्या आ जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट. ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, नेपोलियन बोनापार्ट एंड एम्पीरियर ऑफ इंग्लैंड. तो क्या जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट. सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट. फोर्थ है, ब्लैंक वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. ए गुरु नानक, बी जॉर्ज वांस्टीगेटन, सी नेपोलियन बोनापार्ट, एंड डी कमांडिंग ऑफिसर. तो क्या आ जाएगा, जॉर्ज वांस्टीगेटन. ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट. एक्सरसाइज बी, राइट टी फोर ट्रू एंड एफ फोर फॉल्स स्टेटमेंट्स. हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए, एंड एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए. फर्स्ट, द कमांडर ऑफिसर वाज काइंड टू हिज सोल्जर्स. फॉल्स. सेकेंड, the imperial repaid two coins to the old woman as an old debt. False. Third, it is a good habit to correct our mistakes. True. Fourth, the man who helped the soldiers to load the heavy log of wood was George Munstigaton. True. And exercise C, fill in the blanks choosing proper words from the brackets. A. First, a group of American soldiers was trying to lift a blank log of wood. Heavy. Second, once a royal blank stopped in front of a school carriage. Third, the people of first village blank Guru Nanak and his displeased welcomed. Fourth, the old woman was sailing blank. तो इसमें दोनों ही ऑप्शन क्या है हमारे, रॉन्ग है. तो क्या आ जाएगा इसमें, फ्लावर्स. एंड सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज ई, क्वेश्चन आंसर. Answer the following question
इन वन और टू वर्ड्स, हमें वन और टू वर्ड्स में इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वेंट टू अ विलेज विद हिज डिस्प्लेस, आंसर गुरु नानक। सेकेंड, हु रिपेड हिज डेब्ट आफ्टर सो मैनी ईयर्स, आंसर द एम्पीरियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु हेल्प्ड द ग्रुप ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स, आंसर जॉर्ज वॉन्स्टिग्यूटन। एंसर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस फोर्थ चैप्टर रिवीजन, एंड दिस रिवीजन लर्न इन योर बुक एंड नोटबुक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट योर एसएसटी क्लास ऑनलाइन। डियर स्टूडेंट्स, फॉर क्लास फिफ्थ टुडे इज अवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, अवर चैप्टर नंबर फर्स्ट इज ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इन अवर प्रीवियस क्लास वी विल स्टार्ट द रिविजन ऑफ अवर चैप्टर नंबर फर्स्ट ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। टुडे वी विल रिवाइज दिस चैप्टर एक्सरसाइज, सो लेट स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, अवर एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से जो ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, लार्ज लैंड मास इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड आर कॉल्ड डैश, यानी कि जो बड़े बड़े लैंड मासेज है जो चारों साइड से वाटर से कवर्ड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कॉन्टिनेंट्स, CONTINENTS, कॉन्टिनेंट्स। लार्ज लैंड मासेज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, बड़े बड़े जो लैंड मासेज है जो चारों ओर से वाटर से सराउंडेड होते हैं, वाटर से घिरे हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, विच इज द बिगेस्ट ओशियन, सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, पैसिफिक ओशियन, PACIFIC, पैसिफिक ओशियन। नाउ और थर्ड क्वेश्चन इज, देर आर डैश कॉन्टिनेंट्स, हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। सेवन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, देर आर सेवन कॉन्टिनेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी रिवर कौन सी है। नाइल, नील जो नदी है वो सबसे बड़ी है, नाइल। द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज नाइल, NILA। क्वेश्चन नंबर फाइव इज, डैश इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एशिया, ASIA, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। नाउ एक्सरसाइज नंबर बी इज फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द डैश इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशियन, वर्ल्ड के अंदर सबसे छोटा ओशियन कौन सा है। आर्कटिक ओशियन, ARCTIC, आर्कटिक ओशियन, द आर्कटिक इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशियंस। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, डैश इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। पहला कौन सा है, एशिया, अब दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, अफ्रीका, AFRICA, अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, डैश ट्रेंच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड, कौन सी गर्त है, कौन सी खाई है जो सबसे गहरी खाई है वर्ल्ड के अंदर। मैरियाना, MARINA, मैरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज लोकेटेड इन डैश, जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं अमेरिका ऑफ अमेरिका वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो नॉर्थ अमेरिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसके अंदर लोकेटेड है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, NORTH, नॉर्थ, AMERICA, अमेरिका। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव इज, द मैरियाना ट्रेंच इज इन डैश ओशियन, जो मैरियाना ट्रेंच है वो कौन से ओशियन के अंदर है। पैसिफिक ओशियन, PACIFIC, पैसिफिक ओशियन। एक्सरसाइज नंबर सी इज, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, टी लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए।
फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है जावा ट्रेंच इज द लॉन्गेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। जो जावा ट्रेंच है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे लंबी ट्रेंच है, तो ये कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ सेकंड इज सहारा द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन अफ्रीका। सहारा जो डेजर्ट है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है, टी आएगा। नाउ सेकंड इज येलोस्टोन नेशनल पार्क इज द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल पार्क। जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है वो वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क है, तो ये कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो क्या आएगा इसके अंदर? एफ आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज इंडियन ओशियन कंसिस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड अफ्रीका अरेबियन सी। सॉरी, इंडियन ओशियन कंसिस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। इंडियन ओशियन के अंदर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी हैं, तो ये कैसी स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज आवर एक्सरसाइज नंबर ए बी एंड सी। आई होप यू अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो लर्न कम्प्लीटली दीज एक्सरसाइज फॉर योर एसए वन एग्जाम। सो थैंक यू बेटा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई रश्मि मैम, योर साइंस टीचर फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड टूडे वी विल रिवाइज our remaining topics of chapter number 8, okay, and we will revise the methods of soluble impurities. जो soluble impurities हैं उनके लिए कौन कौन से methods होते हैं जो soluble impurities को अलग करते हैं, okay, so let's we get start. Today we will read our new topic, filtration. What is filtration? In this process a filter paper acts as like a sieve. इस प्रोसेस में जो फिल्टर पेपर होता है, जो फिल्टर पेपर है वो कैसे एक्ट करता है? एक्ट लाइक अ सीव। जो छलनी होती है, सीव होती है, उसकी तरह एक्ट करता है। एंड वाटर इज पास थ्रू इट, और वाटर इसके अंदर से पास होता है। द इम्प्योरिटीज रिमेन इन टू द सीव, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, वो इसके अंदर रह जाती हैं। एंड क्लीन वाटर कलेक्ट्स इन अ फ्लास्क, और जो क्लीन वाटर होता है इस फ्लास्क के अंदर कलेक्ट हो जाता है। टेक अ फिल्टर पेपर, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है? फिल्टर पेपर। फोल्ड इट, इसको फोल्ड करेंगे फिल्टर पेपर को, ओके लाइक दिस। एंड कीप इट इन अ फनल, और इस फनल के अंदर फिल्टर पेपर को हम डाल देंगे फोल्ड करके। नाउ पुट द फनल ऑन अ फ्लास्क, जो फनल है उसको फ्लास्क के अंदर हम लगाएंगे, फिट कर देंगे। पोर द इम्प्योर वाटर इन टू द फ्लास्क, और हम इम्प्योर वाटर को फ्लास्क के अंदर डालेंगे, ठीक है। थ्रो द फनल, यू विल सी दैट द सैंड रिमेन्स इन द फनल, तो आप क्या देखोगे? जो मिट्टी थी वो फिल्टर पेपर के अंदर से पास नहीं हुई, वो इसी फनल के अंदर रह जाती है। एंड वाटर पोर इन टू द फ्लास्क इज क्लीन, और जो पानी फ्लास्क के अंदर जा रहा है वो कैसा वाटर है स्टूडेंट्स? क्लीन वाटर है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन मीन्स क्या होता है? छानना। नेक्स्ट इज रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटी, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है, अभी हमने पढ़ा है इन सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए मेथड्स। इन सॉल्युबल होती है जो घुलती नहीं है। अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबल इम्प्योरिटी जो मिक्स हो जाती है, बिल्कुल डिजोल्व हो जाती है, उनको कैसे अलग किया जाए। द डिफरेंट वेज टू रिमूव सॉल्युबल इम्प्योरिटी फ्रॉम वाटर आर, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मीन्स क्या होता है? वाष्पीकरण। इन दिस प्रोसेस वाटर इज हीटेड टू बॉइल, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? वाटर को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, बॉइल किया जाता है, उबाला जाता है। विच कन्वर्ट द लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर्स, और हीट करने से क्या होगा? वाटर किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर के अंदर। एंड द डिजोल्व इम्प्योरिटी लेफ्ट बिहाइंड इन द वेजल, और जब हम पानी को उबालते हैं तो जो उसमें मिक्स इम्प्योरिटी जो होती हैं सॉल्युबल, वो क्या होती है? वो उसी वेजल के अंदर रह जाती है। सी द एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को समझने के लिए हम इस एक्टिविटी को पढ़ेंगे। एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव क्या है?
objective to remove impurities through evaporation. Material needed a stand, a beaker, okay, water, salt and a lamp. ये चीज़ें हमें चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए. स्टेप, मिक्स सम साल्ट इन द वाटर. वाटर के अंदर हम साल्ट को मिक्स करेंगे. स्टीर इट एंड अरेंज द अपरेटस एज शोन इन द फिगर. और इसको अच्छे से हिलाएंगे, घुमा के इसको अच्छे से डिजोल्व कर लेंगे और ऐसे फिक्स कर देंगे इस अपरेटस में दिखाया है. हीट द सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ए लैम्प. ओके. ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करेंगे. आफ्टर सम टाइम वाटर इवेपोरेट्स एंड साल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड. कुछ समय बाद क्या होगा, जो पानी है वो तो इवेपोरेट हो गया, भाप बन के उड़ गया, बट जो साल्ट था उसके अंदर मिक्स वो इसी बीकर के अंदर रह जाएगा. एक्सप्लेनेशन, इवेपोरेशन रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम वाटर. इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो इवेपोरेशन प्रोसेस से क्या हुआ, जो साल्ट है वो वाटर से अलग हो गया. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टिलेशन. वट इज़ डिस्टिलेशन. इन दिस प्रोसेस द वाटर द डैट इवेपोरेट्स इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन प्रोसेस में जो वाटर इवेपोरेट हुआ था इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. तो वो भाप की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है एंड देन पास थ्रू द कंडेंसर. और किस में से पास करते हैं इसको, कंडेंसर के अंदर से पास करते हैं. द स्टीम टर्न्स इनटू लिक्विड. और जो भाप है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है एंड गेट्स कलेक्टेड इनटू इन अ कंटेनर. और इस किस में कलेक्ट हो जाती है, कंटेनर के अंदर कलेक्ट हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस. ओके नाउ स्टूडेंट्स, वी विल रिवाइजिंग द वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर नंबर 8. लेट्स स्टार्ट. एटमोसफेयर, ATMOSPHERE. एटमोसफेयर मीन्स क्या होता है, वातावरण. नेक्स्ट सेवरल, SEVERAL. सेवरल मीन्स क्या होते हैं, अनेक. ट्रोपोस्फियर, TROPOSPHERE. ट्रोपोस्फियर क्या होता है, सौभ मंडल. नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फियर, STRATOSPHERE. स्ट्रेटोस्फियर मीन्स क्या होता है, समताप मंडल. नेक्स्ट इज मीजोस्फियर, MESOSPHERE. मीजोस्फियर मध्य मंडल. एल्टीट्यूड, ALTITUDE. एल्टीट्यूड मीन्स क्या होती है, ऊंचाई. नेक्स्ट इज एक्सटेंडिंग, EXTENDING. एक्सटेंडिंग मीन्स क्या होता है, फैलाव, किसी भी चीज़ का फैलाव. बर्निंग, BURNING. बर्निंग मीन्स क्या होता है, जलन, जलाना किसी भी चीज़ को. इनफ्लेट्स, INFLATES. इनफ्लेट्स मीन्स क्या होता है, फुलाना. रिम, RIM. रिम मीन्स क्या होता है, किनारा. पोर्टेबल, POTABLE. पोर्टेबल मीन्स क्या होता है, पीने योग्य. सो स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज अगेन. एटमोसफेयर वातावरण, सेवरल अनेक, ट्रोपोस्फियर शोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, मीजोस्फियर मध्यम मंडल, एल्टीट्यूड ऊंचाई, एक्सटेंडिंग फैलाव, बर्निंग ज्वलन, इनफ्लेट्स फुलाना, रिम किनारा, पोर्टेबल पीने योग्य. सो यू विल लर्न दिस वर्ड मीनिंग्स, ओके, ऑफ चैप्टर नंबर 8. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चा कक्षा 5वीं में आज मैं कराऊंगी पार्ट 5, मेरी माँ. ठीक है, ये कविता है. इसमें माँ की महत्ता के बारे में बताया गया है कि एक माँ बच्चे के लिए क्या क्या करती है. दुनिया में एक चीज़ न्यारी, वह है मेरी माँ प्यारी. बच्चा क्या कह रहा है कि ये जो दुनिया, इस दुनिया में मेरी माँ एक सबसे अलग, सबसे न्यारी चीज़ है. कांटों से जो मुझे बचाती माँ है वह फूलों की क्यारी. ये कह रही है कि मेरी माँ मुझे हर मुश्किलों से बचाती है. कांटों से बचाना, हर मुश्किलों से बचाना, मुझे हर दुख से बचाती है. माँ उस फूलों की क्यारी के समान है, जो कि माँ एक माँ वह फूलों की क्यारी है जो मुझे मुश्किलों से बचाती है, कांटों से बचाती है. मैं हूँ इसकी नोनिया प्यारी, उसमें देखूँ दुनिया सारी. कह रही मैं इसकी प्यारी बेटी हूँ, मैं उसी में सारी दुनिया
मुझे उसी में सारी दुनिया दिखाई देती है, यानी कि मेरी दुनिया मेरी माता की सीमित है। शब्दों में जो समान पाए महिमा उसकी ऐसी नारी, कह रही मैं अपनी माँ की महिमा का गुणगान शब्दों में बयान नहीं कर सकती, उसकी महिमा इतनी न्यारी है कि मैं शब्दों में उसका बयान नहीं कर सकती। अवगुण मेरे मन ने चितारे देखे मुझ में गुण ही सारे, कह रहे मेरे अंदर जो बुरी चीज़ें हैं जो बुरी बातें हैं वो अपने मन में उनको नहीं उतारती है, उनको नहीं देखती है, उसमें मुझे उसे मेरे अंदर सारे गुण ही दिखाई देते हैं। देख मुझे मन ही हर्षाए मुझ में अपने सपन सजाए, ये कह रहे मुझको देख कर वह बहुत ही खुश हो जाती है और उनके सारे सपने मुझसे ही जुड़े हैं। मुझ पर जाए माँ बलिहारी मैं हूँ उसकी आंगनबाड़ी, ये कह रही माँ मुझ पर है, मेरी माँ जो है बलिहारी नहीं, मुझ पर मेरी माँ कुर्बान जाती है, मैं उसके आंगन का पौधा हूँ, एक छोटा सा पौधा हूँ और मेरी माँ मुझ पर बलिहारी जाती है। मेरे रूप को दिया आकार इस जीवन को दिया आधार, कह रही मेरी माँ ने मुझे मेरे रूप को आकार दिया है और मेरे इस जीवन को आधार भी मेरी माँ ने ही दिया है, यानी कि ये जीवन मेरी माँ की देन है। कैसे व्यक्त करूँ आभार माँ कोटि कोटि तुझे नमस्कार, बच्चा कह रहा है कि मैं किस तरह से आपका आभार प्रकट करूँ, हे माँ तुझे मेरा कोटि कोटि नमस्कार है प्रणाम है। शक्ति रूप ममता की सागर बच्चों के लिए सुख की गागर, ये कह रही है कि जो माँ है वो शक्ति का रूप है और ममता के सागर के समान है और बच्चों के लिए माँ सुख की गागर के समान है। इसकी सेवा में मैं सादर नहीं समझ में आता तुझको करूँ मैं कैसे माँ का आदर, कह रहा है कि मैं इसकी सेवा में हमेशा ही समर्पित रहूँगा, मेरी समझ में ये नहीं आता है कि मैं अपनी माँ का आदर कैसे करूँ, मेरी माँ का मेरे जीवन में इतना महत्व है, ये बच्चा कह रहा है। तो बच्चों ये कविता आपके समझ में आई कि माँ का बच्चों के जीवन में कितना महत्व होता है ये बताया गया इस कविता में, ठीक है। तो ये कविता आपने पढ़ लिया, अभी हम करेंगे इसके अभ्यास का। बच्चों लिखित प्रश्न का हमारा पहला प्रश्न है उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बच्चे के लिए दुनिया में सबसे अनोखा क्या है, उसकी बहन उसका भाई या उसकी माँ, तो इसका सही उत्तर होगा उसकी माँ। आगे है माँ की महिमा किसमें समा नहीं पाती, शब्दों में वाक्यों में या वर्णों में, तो इसका सही उत्तर होगा शब्दों में। माँ किसे मन में नहीं रखती, गुणों को अवगुणों को या अच्छाइयों को, तो इसका उत्तर होगा अवगुणों को। माँ डैश और ममता की सागर है, भक्ति रूप शक्ति रूप या दिव्य रूप, तो इसका उत्तर होगा शक्ति रूप, माँ शक्ति रूप और ममता की सागर है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जो दिए गए वाक्यों के अर्थ से मेल खाती है। माँ फूलों की क्यारी के समान है जो मुझे कांटों से बचाती है, इसकी पंक्ति क्या आएगी, कांटों से जो मुझे बचाती माँ है वह फूलों की क्यारी। माँ की महिमा ऐसी नारी है जो शब्दों में समा नहीं सकती, शब्दों में जो समान पाए महिमा उसकी ऐसी न्यारी। माँ मुझ में अपने सपन संजोए हुए बलिहारी हो जाती है, इसमें आएगा देख मुझे मन ही हर्षाए मुझ में अपने सपन सजाए, इसमें ये पंक्तियाँ आएंगी। माँ ने मेरे रूप को आकार दिया है, इसमें ये पंक्तियाँ आएंगी मेरे रूप को दिया आकार इस जीवन को दिया आधार, मैं इसकी सेवा में समर्पित हूँ, इसमें पंक्ति आएगी इसकी सेवा में मैं साधन, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको कविता पढ़ाई और आपको ये जो प्रश्नोत्तर मैंने आपको करा दिए हैं, आप सभी को ये प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज बाला मैम फ्रॉम एनएलपी इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। डियर स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट अवर मैथ ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 5। एंड डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास वी हैव डन फाइंड एलसीएम एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इन चैप्टर नंबर 7। नाउ वी डू
फाइंड HCF एंड LCM बाय डिवीजन मेथड इन चैप्टर नंबर 7. सो नाउ वी स्टार्ट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड. हमें डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करना है. सो डियर स्टूडेंट आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 75 एंड 180. सो नाउ वी स्टार्ट. हमारे पास टू डिजिट है 75 एंड 180. जो स्मॉल डिजिट है हम उससे डिवाइड करेंगे 180 को. ये हमारा डिवीजन मेथड है. अब हमें 75 से 180 को डिवाइड करना है. हमें देखना है 75 की टेबल में 180 कितने नंबर पर आता है या हम कैसे डिवाइड करेंगे. सो नाउ बेटा ये हमारा 2 पे डिवाइड होता है. हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 5 10 14 15. तो हमारा आ गया 150. अब हमें इसका 2 पे डिवाइड किया तो हम माइनस कर देंगे. जब हमने माइनस किया तो 0 एंड 3 और माइनस किया तो 0. तो देखिए बेटा अब हमारा जो रिमाइंडर 30 बचा था हम उससे डिवाइड करेंगे 75 को. 75 अब हमने 75 को डिवाइड करना है तो 2 नंबर पर चला जाएगा 60. अब हमने फिर माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर बच गया 15. अब हमारा रिमाइंडर से हम डिवाइड करेंगे 30 को. और जब हमने डिवाइड किया तो 2 पर गया 15 टू जा 30. तो बेटा हमारा HCF क्या आ गया. तो इस तरह हम जब इसको डिवाइड करते हुए चलते हैं जो हमारा देखो बेटा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेवन जो स्मॉल डिजिट होती है उसको बाहर लिखते हैं और बिग डिजिट को डिवाइड करते हैं. जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है फिर हम उससे डिवाइड करते हैं जो फर्स्ट हमने डिवाइड किया था उससे. जैसे 75 से किया था फिर हमारा रिमाइंडर बचा फिर 15. तो हम 15 से डिवाइड करेंगे 30 को. तो इस तरह हम डिवाइड करते जाएंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि हमारा आंसर 0 ना आ जाए. अब हमारा आंसर आ गया 0 पर अब हमारा आंसर 2 नहीं होगा. क्या होगा हमारा आंसर 15. HCF क्या होगा हमारा 15. जिस नंबर से हमने डिवाइड किया और तब हमारा आंसर 0 होता है तो वो हमारा HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब हमारा आंसर हम लिखेंगे HCF ऑफ 75 एंड 180 क्या आ गया हमारे पास 15. ये हमारा आंसर है. सो डियर स्टूडेंट ये हमारा डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करना है. ये हमारे पास थी सिर्फ 2 डिजिट. अब हमारे पास है 3 डिजिट. हम 3 डिजिट का कैसे सोल्व करेंगे. एंड अवर 3 डिजिट इज 522 1276 एंड 1624. ठीक है. अब हम देखें बेटा अब इसमें हम क्या करेंगे. हमारे पास 3 डिजिट है 1 2 एंड 3. आप किन्हीं भी 2 डिजिट को लेके पहले क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे. तो जो आपको मन करे आप फर्स्ट की 2 डिजिट भी ले सकते हैं लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट भी ले सकते हैं और ये पीछे की 2 डिजिट भी ले सकते हैं. तो मैंने फर्स्ट 2 डिजिट लेके सोल्व किया है. तो हमने इन दोनों में से स्मॉल डिजिट क्या है 522. 522 से मैंने 1276 को डिवाइड किया 2 पर. जब 2 पे मल्टीप्लाई किया तो हमारा है 1044. अब हमने इसको माइनस किया तो हमारा रिमाइंडर बच गया 232. तो अब मैंने फर्स्ट डिवाइड किया था 522 से. अब मैं 522 को डिवाइड करूंगी रिमाइंडर से. तो मेरा 2 पे डिवाइड हुआ 464. तो अब हमारा रिमाइंडर बचा 58. अब 58 से मैं डिवाइड करूंगी 232 को. जब 232 को मैंने डिवाइड किया तो हमारा आंसर 4 आ गया. और जब माइनस किया तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा 0. तो मीन्स हमारे पास जो 522 एंड 1276 है उसका HCF है 58. अब हम इस 58 से जो लास्ट डिजिट हमारी बची हुई थी 1624 उसको डिवाइड करेंगे. इससे हम डिवाइड करेंगे पर रिमाइंडर बचते हुए वैसे सोल्व नहीं करेंगे जैसे हमने यहाँ के. हम नॉर्मल डिवाइड करेंगे जैसे हम डिवीजन करते हैं. सो नाउ 58 1624. अब हमने 2 पे डिवाइड किया 1116. 2 नंबर पे माइनस किया तो 464. ऊपर से 4 उतारा था फिर हमने डिवाइड किया 8 नंबर पे तो 0. तो देखिए बेटा फर्स्ट जब हम 2 डिवीजन 2 नंबर को लेके सोल्व करेंगे तो हम इस तरह से डिवीजन करेंगे. और जब हम थर्ड नंबर को सोल्व करेंगे तो हम नॉर्मल डिवाइड करेंगे. इस तरह से डिवाइड नहीं करेंगे. ओके स्टूडेंट आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर HCF बाय डिवीजन मेथड. सो फर्स्ट ऑल हमने कोई भी 2 डिजिट लेनी है उनको डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बच जाता है फिर उससे डिवाइड करना होता है जैसा कि हमने क्वेश्चन में सोल्व किया था. तो हमारा HCF क्या होगा. HCF ऑफ 522 1276 एंड 1624 इज 58. क्योंकि 58 एक ऐसा नंबर है जो तीनों 522 1276 एंड 1624 तीनों डिजिट को डिवाइड कर देगा. तो बेटा ये था हमारा HCF बाय डिवीजन मेथड. अब हम करेंगे आपको LCM बाय डिवीजन मेथड. सो नाउ स्टार्ट.
फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई डिवीजन मेथड। बेटा अभी हमने आपको एचसीएफ सिखाया था डिवीजन मेथड, अब हम आपको बताएंगे एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं डिवीजन मेथड से। सो नाउ वी स्टार्ट। इसमें हम क्या प्राइम फैक्टर से हमने क्या था बेटा, जो भी दो डिजिट दिए हैं हम उनको कॉमन सॉरी फैक्टर फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टर से डिवाइड करके, और फिर जो आंसर आता है उसमें कॉमन छांटते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। डिवीजन मेथड में क्या होता है, हम दोनों को अलग अलग नहीं करते, हम इन दोनों को एक साथ लिखकर इनका फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने देखना है कि दोनों नंबर किस से टेबल से डिवाइड होते हैं, तो दोनों 5 से डिवाइड हो जाते हैं 6, एंड हमें कॉमन नंबर छांटना है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, और 15 से। अब 6 और 15 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, किससे डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 3 से, और हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है इनको 2 एंड 5। अब ये दोनों नंबर किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो हम इनको सिंगल सिंगल डिजिट से करेंगे ताकि ये 1 हो जाए, और इनको भी हमने तब तक करना है जब तक हमारा 1 नहीं हो जाता। सो 1। अब हमारा एलसीएम आ गया 5 × 3 × 2 × 5। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, 35 × 1 = 150। तो बेटा एलसीएम जब हम प्राइम फैक्टर से निकालते हैं तो दोनों का हम सिंगल सिंगल निकालते हैं, और फिर हम इनमें कॉमन छांटते हैं, वो कॉमन को भी लिखते हैं, और जो रिमेनिंग बचे हैं उनको भी लिखते हैं। जब हम डिवीजन मेथड से करते हैं तो हम दोनों को एक साथ लिखकर उनका प्राइम फैक्टर करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि दोनों किस नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, हम उनसे डिवाइड करते हैं। अगर कोई नंबर एक ही टेबल से डिवाइड नहीं होता तो हम सिंगल डिजिट से डिवाइड करते हैं, और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि हमारा 1 नहीं हो जाता, और फिर इनको जो भी प्राइम नंबर हमारे आते हैं जिनसे हमने डिवाइड किया उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। सो नाउ स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव ओनली 2 डिजिट एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव 3 डिजिट, सो वी राइट 3 डिजिट, साथ लिखना है हमने इनको 40, 56 एंड 60। तो बेटा देखिए तो जो तीनों डिजिट हैं किसी एक नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं, अगर नहीं है तो हम किन्हीं दो डिजिट को देखेंगे जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो देखिए बेटा 40 हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, ये नहीं कि हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, 6 से, प्राइम नंबर से ही हमने डिवाइड किया ना, तो हम सबसे पहले 2 से करेंगे 20, हमने इसको किया 28, इसको किया 30, फिर हम इसको आप चाहे बिग नंबर से भी कर सकते हैं या आप स्मॉल से स्टार्ट करें फिर बिग पे पहुंचे, आप कैसे भी जो आपको इजी लगे मेथड उससे कर सकते हैं आप 10, 16 एंड 15। अब देखिए बेटा इनमें 2 नंबर 10 और 16 तो 2 से डिवाइड होते हैं पर 15 डिवाइड नहीं होता, तो हम सिर्फ 10 और 16 को डिवाइड कर देंगे, 15 हमारा एज इट इज। अब देखिए इनमें 2 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, हमें 1 करना होता है 3। अब हम फिर 3 से कर देंगे 1, 8 एंड 1। अब हमारा ओनली 8 बचा है जिसको हमें 1 करना है, तो हम 2 से करेंगे इसको डिवाइड 4, 1, फिर 2 से किया 1, 2 एंड 1, फिर 2 से किया 1, 1 एंड 1। तो इस तरह हमने अब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे एलसीएम, तो हम जो भी हमारे प्राइम फैक्टर आए थे हम उनको राइट कर देंगे 2 × 2, कितनी बार 2 है 3 टाइम, तो हम 3 टाइम पहले 2 लिखेंगे, फिर है हमारा 5, फिर 3 एंड अगेन 3 टाइम 2, और अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने 2 का 2 से किया 4, 4 का 2 से किया 8, 8 का 5 से किया 40, 40 का 3 से किया 120, 120 का हमने 2 से किया 240, 240 का हमने इस 2 से किया तो हमारा आ गया 480। अब फिर हमने नेक्स्ट 2 और बचा हुआ है तो हम इससे करेंगे तो हमारे पास आ गया 960। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया बेटा 960। तो हम डिवीजन मेथड से ऐसे इन सबको एक साथ लिखकर फिर जैसे हमने सिंगल हम एलसीएम फाइंड आउट करते वही मेथड है, फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें हम सिंगल सिंगल लिखते हैं और इसमें हम सबको एक साथ लिखकर सोल्व करते हैं। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर प्राइम फैक्टर मेथडाइजेशन एंड डिवीजन मेथड, कि हम एचसीएफ एंड एलसीएम प्राइम फैक्टर से कैसे फाइंड आउट करते हैं और डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि आपने प्राइम फैक्टर से करना है या डिवीजन मेथड से, तो जो मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।